थैंक यू। सी जनक के साथ जो भी हो रहा है घर में वो काफी ड्रास्टिक हो रहा है, सो वो सह नहीं पाई, उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली, आधी से ज्यादा बॉटल खा ली है। सो यहाँ पे वो सीन हो रहा है जहाँ डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अनिरुद्ध काफी टेंशन में है, मैं काफी टेंशन में हूँ, सारी फैमिली, मतलब फैमिली अपने तरीके से टेंशन में, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि पता चला जनक को अगर कुछ हो गया तो सारा ब्लेम उन लोगों पे आ जाएगा, इसी वजह से वो लोग टेंशन में। बट मैं, अनिरुद्ध, हम लोग जेन्युइनली जनक के लिए टेंशन में। वेल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो जनक का डांस परफॉर्मेंस है उसके लिए घर वाले कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये सब लेके। बिल्कुल, कैसे किसी तरीके से तो जनक को वहाँ इवेंट में पहुँचाना ही है और उसने काफी अच्छी प्रिपरेशन की है डांस की, तो जनक को तो इवेंट में पहुँचना ही होगा, वो कैसे पहुँचेगी इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। वेल, वही पे देखा जाए हर्षी भी अनुरोध को गुस्सा कर रही है और वही पे कहीं ना कहीं आप अनुरोध को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें कैसे क्या। सी अर्शी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि यार ये इतना जनक के लिए क्यों कर रहा है, इतना कंसर्न क्यों है अनिरुद्ध को जनक के लिए, सो वो उस तरीके से परेशान है, बट अनिरुद्ध जो कर रहा है वो जेन्युइनली कर रहा है जनक के लिए। फैंस के लिए यही मैसेज है कि जनक देखते रहिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और टीआरपी टॉपर बनाते रहिए। थैंक यू।